हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज एक फिलर वीडियो लेके आ गया हूँ जहाँ पे मैं बेसिकली अनबॉक्स करने वाला हूँ कुछ। और ये क्या है, ये बेसिकली मेरा न्यू लैपटॉप है जो मेरे न्यू कंपनी से आया है। जो मुझे क्लोजली फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैंने पेपाल छोड़ दिया है और उसके पीछे का कहानी क्या है वो भी काफ़ी लोगों को पता है। बट अभी के लिए यहाँ पे फोकस करते हैं कि न्यू कंपनी क्या है और कुछ चीज़ें जो मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, स्टोरी में नहीं जाएंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट अभी के लिए देखते हैं कि कौन सा लैपटॉप आया है और मैं अपने प्रेफरेंसेस भी बताऊंगा। मैंने लास्ट 2-3 महीने में डिफरेंट मैकबुक में काम किया है, बेसिकली मैकबुक ही है बट कौन सा है मैं दिखा देता हूँ। सो मुझे और कुछ मिला नहीं तो इससे ही कर रहा हूँ। ऐसे मैं दिखा दूँ, मेरे पास इसके पहले भी एक छोटा वाला मैकबुक था और एप्पल M2 पे भी काम किया हूँ, काफ़ी हेवी है इन कंपैरिजन टू दिस वन। ठीक है, सो अभी दिखाता हूँ इसमें कौन सा है। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये भी अपना 13 या 14 इंच है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट ये मेरा न्यू लैपटॉप। ये एप्पल का M1 है, यूज़ करके बताता हूँ। बेसिकली इसी का वर्जन है, ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा था तो इसमें कुछ इशू आया है, फिर मैंने रिप्लेसमेंट मंगाया था। और सो स्पेशली मैंने बोला उनको एप्पल का M1 13 या 14 इंच चाहिए यही भेजने के लिए, बिकॉज ये मैं पिछले 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, लाइक आप कहीं पर भी लेके यूज़ कर सकते हो, लेट के काम करो, बैठ जाओ कहीं पर भी। बट इसको कैरी करना कंपेरेटिवली ईजी है, आप बैग में भी रखते हो तो काफ़ी लाइट वेट है। तो अभी मेरे पास M2 है, अब मैं काफ़ी टाइम हो गया इसको यूज़ करते हुए, तो अब मैं इसको यूज़ करता हूँ, मतलब हाथ में लेता हूँ तो इट फील्स हेवी। तो अभी तो मेरा प्रेफरेंस चेंज हो गया, मतलब लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और ज़्यादा हेवी काम कर, मतलब एडिटिंग वगैरह मैं करता नहीं उस पर, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी डॉक्टर वगैरह जो भी चलाना है इसमें बहुत परफेक्टली चलता है। और इसको तो मैं अभी के लिए छोड़ देता हूँ, यूज़ नहीं करते हैं तो इसको साइड में रखते हैं। वैसे अभी रिसेंट लास्ट 3 महीने में जो मेरा फेवरेट है वो ये है। बाकी मैं आपको बता दूं कि क्या है सी पेपाल में एक्चुअली आई गॉट लेड ऑफ। जैसे कि बहुतों को पता होगा कि मैं रिसेंटली पेपाल ज्वाइन किया था और इट्स बिन अ ईयर आई वॉज वर्किंग विथ पेपाल एंड देन उसके बाद ले ऑफ आया और उसमें मेरा भी नाम था। लाइक पेपाल एक्चुअली लेड ऑफ अराउंड 2000 प्लस एम्प्लॉयज ओवर द ग्लोब एंड उसमें से एक मैं भी था। इसके कुछ रीजंस हैं, मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आया कि क्या था मेजर रीज़न। सो उस बारे में हम किसी और सेपरेट वीडियो में अच्छे से बात करेंगे, बट अभी के लिए इतना जान लो कि मैं आई हैव जॉइंड वन ऑफ द रिमोट कंपनी। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा डिटेल्स में, क्या कंपनी है, क्या करता है उस कंपनी को। बेसिकली अभी जो रिमोट कंपनी है वहाँ पे, मतलब हाउ डिड आई फाइंड दिस अपॉर्चुनिटी, मैंने कैसे रीच आउट किया, कैसे अप्लाई किया। पिछले 2-3 महीनों में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, लाइक इन ऑर्डर टू हाउ यू कैन गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी इवन इफ देयर इज ले ऑफ। इफ यू हैव स्किल यू शुड बी एबल टू गेट वन गुड जॉब। सो उस बारे में भी बात करेंगे। वैसे काफ़ी हाइप है फैन कंपनीज को लेके, वेदर इट इज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन। जब मैं लोगों से बात करता हूँ कि उनको इन कंपनीज में काम क्यों करना है तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं, वो है एक ब्रांड जिसका हो गया पैसे, लाइक कंपनसेशन वाइज काफ़ी कंपेयर टू अदर कंपनीज यू गेट मोर मनी राइट। और एक जो चीज़ मैंने रियलाइज़ किया ओवर द टाइम, आई हैव बीन वर्किंग विद अ ब्रांड लाइक पेपाल एंड देन आई गॉट लेड ऑफ, तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आया कि ये जो हाइप है, हम जो भागते हैं कि ब्रांड के पीछे, ब्रांड में काम करेंगे एंड वी विल बी सेफ, बट दैट्स नॉट ट्रू। आई टेल यू द इंटायर स्टोरी इन अ सेपरेट वीडियो, बट फॉर नाउ जस्ट एक बात जान लो कि अपॉर्चुनिटीज बहुत है रिमोट कंपनीज के बारे में। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे देन यू विल गेट टू नो कि देयर आर कंपनीज हु पे मोर देन दिस फैन कंपनीज एंड ऑल्सो वर्क वाइज यू विल गेट इनफ अपॉर्चुनिटी टू गेट इन टू अ कंपनी टू बेसिकली वर्क ऑन अ काइंड ऑफ टेक्स दैट यू लाइक। बेसिकली जो काम आपको पसंद है, आपको उस टाइप का काम अगर आप ढूंढना चाहो तो आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप अच्छा काम कर सकते हो, अच्छे लोगों के साथ काम कर सकते हो। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, डिसएडवांटेजेस है रिमोट जॉब के भी, जो मैं बात करूंगा डिफरेंट वीडियो में। अभी के लिए इस वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, बस इतना ही अपडेट था अभी के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी मैं ये लैपटॉप के बारे में, अगर आपको चाहिए कि इसके
फीचर्स वगैरह के बारे में, इसके यूसेज के बारे में, एज अ डेवलपर ये कितना अच्छा लैपटॉप है यूज़ करने के लिए, अगर आपको जानना हो तो कमेंट कर देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर सम टाइम, आई एम लाइकिंग इट। सो इतना ही था इस वीडियो के लिए, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाकी आप शॉर्ट्स वगैरह मैं काफ़ी डाल रहा हूँ, रील्स भी डाल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, जिससे आपको हेल्प हो जाएगा, काफ़ी एजुकेशनल कंटेंट डालता हूँ, तो एक बार फॉलो कर लेना, चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।